नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो सव्वसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सव्वपावप्पणासन मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्वारि मङ्गलं अर्हन्तु मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहु मङ्गलं कैवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्वारि लोकोत्तमा अर्हन्ति लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा कैवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहुशरणं पवज्जामि कैवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि। उपसर्ग केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली। तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी हूँ, भक्तिपूर्वक प्रणाम। धर्म तीर्थ नायक शेष 23 तीर्थंकरों को भी नमस्ते। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। पांचों परमेश्वरों को प्रणाम। तो पार्श्वनाथ भगवान का पौष कृष्णा एकादशी को जन्म हुआ और उसी तिथि पर जब वो 30 वर्ष के हुए, 16 वर्ष की आयु में उनको नाग नागिन मिले। उनको उद्बोधन दे करके उन्होंने सद्गति की प्राप्ति का निमित्त प्रदान किया और वो दोनों धर्णेंद्र और पद्मावती बने। एक जानने योग्य बात यह है कि धर्णेंद्र और पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर होते हैं उनके यक्ष यक्षी होते हैं उनसे भिन्न है। यक्ष यक्षियों के नाम तिलोई पण्णति ग्रंथ में पद्मा यक्षी और मातंग यक्ष है। दक्षिणापथ में धर्णेंद्र पद्मावती यक्ष यक्षियों के नाम प्रचलित है और ये जो धर्णेंद्र पद्मावती हैं, जो नाग नागिन धर्णेंद्र पद्मावती बने हैं, ये यक्ष यक्षी नहीं है, ये भवनवासी देवों के अंतर्गत नाग कुमार जाति के इंद्र और उनकी तत्पत्नी का अर्थ, इंद्र की पत्नी कौन होगी? इंद्राणी। तो ये इंद्र और इंद्राणी है और पाषाणचर्यों में पद्मकीर्ति आचार्य महाराज ने उनकी आयु भी लिखी। 3 पल्लव हम आयु है। जब अपन तत्वार्थ सूत्र के 4th अध्याय को देखते हैं तो जहां पर आयु का वर्णन है देवों की, वहां पर आता है स्थितिर असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम
सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिता। इसका अर्थ यह है कि असुर कुमारों की आयु एक सागर है, नाग कुमारों की आयु तीन पल्ले है। तो यदि धर्णेन्द्र और पद्मावती की आयु तीन पल्ले लिखी है वहां पर, तो फिर वो यक्ष और यक्षी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यक्ष और यक्षियों की आयु कितनी है? तो दश वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम भवनेषु च व्यंतराणां च। पहली पृथ्वी की जघन्य आयु, वहां के नारकों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। भवनेषु च, भवनवासियों में भी यही स्थिति है, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है उनकी। व्यंतराणां च, व्यंतरों की भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष है। फिर व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, अधिकतम आयु? परापल्योपमम अधिकम। ये चौथा अध्याय अगर आपने कभी पढ़ा हो तत्वार्थ सूत्र का, उसमें ये सारे सूत्र आते हैं। तो एक पल्ल्य से कुछ अधिक यक्ष यक्षियों की आयु होती है। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के जो यक्ष यक्षी हैं, देखो यक्षी के जो नाम है उससे मिलता जुलता नाम नाग कुमार देवों की इंद्राणी का भी है। यक्षी का नाम पद्मा देवी है और नाग कुमारी जो इंद्राणी है उनका नाम पद्मावती देवी है। तो क्या फर्क पड़ा? वती का फर्क पड़ा। तो ये दोनों भिन्न हैं और दोनों पार्श्वनाथ भगवान के परम भक्त हैं। उनकी स्तुति करते हुए गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तो आता ही है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में, कि अपने ऊपर किसी ने उपकार किया है उस उपकार का स्मरण रखना एक दुर्लभ गुण है। गिने चुने लोग याद रखते हैं कि मेरे पर इनका ये उपकार रहा। और गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि ये गुण जिसका नाम है कृतज्ञता, ये गुण धर्णेन्द्र और पद्मावती के पास था। जो गुण मनुष्यों में दुर्लभ है वो गुण देवगति के उन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि धर्णेन्द्र और पद्मावती के पास था। अब चूंकि वो नागकुमारों को इंद्र और इंद्राणी है तो नियोग से उनको समावसरण में उपस्थित होना होता है। जन्मतः मिथ्या दृष्टि होते हैं वो, लेकिन समावसरण में उपस्थित होते हैं, सभा भूमियों में रहते हैं वो, और भवनवासियों की जो सभा होती है वहां पर धर्णेन्द्र रहता है, और भवनवासी देवियों की जो सभा होती है वहां पर पद्मावती रहती है। तिलोय पंडित्य में यति वृषभ आचार्य महाराज ने एक गाथा लिखी है, मिच्छा इट्ठिय भव्वा तेसु असन्नी न होन्ति कैयाईं, तहय अणज्ज वसाया संदेहा विविह विविरिया। समावसरण की उन 12 कक्षों में, सभा भूमि में जो 12 विभाग बने रहते हैं, उन 12 विभागों में मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अभव्य नहीं होते, असैनी नहीं होते। और संशय, विपर्य और अनध्य वसाय, अर्थात मिथ्या ज्ञान को धारण करने वाले जीव वहां पर नहीं होते। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि धर्णेन्द्र और पद्मावती न ही अभव्य है
न ही मिथ्या दृष्टि है, न ही असैनी है और न ही संशय विपर्य और अनध्य व्यवसाय वाले हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि वो चौथे गुणस्थान वाले हैं। ठीक है, असंयम तो है क्योंकि देवगति में अणुव्रत महाव्रत नहीं होते, तो फिर संयम कहाँ से होगा? ये कोई नई बात थोड़ी है। अगर कोई बोले कि ये देवलोग असंयमी होते हैं तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, होते ही हैं असंयमी, उसमें कौन सी बड़ी जानकारी दे दी आपने। पर ठीक है, मनुष्यों में भी अधिकतर मनुष्य असंयमी होते हैं। अब मनुष्य संयम धारण कर सकता है इसलिए देवों से श्रेष्ठ है, ये कर सकता है वाला हिसाब नहीं लगता। वो तो भिखारी भी राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, 35 वर्ष की आयु चाहिए और कुछ पात्रताएं चाहिए, तो वो उसके पास हो सकती है। तो अगर हो सकती है, इसको मुद्दा बना करके आप उसको श्रेष्ठ मान लोगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। अरे धारण करके बताओ आप अणुव्रत महाव्रत, तब आपका गुणस्थान उनसे ऊपर होगा, वरना आप जहां हो वहीं रहोगे। तो इसलिए ज्यादा अभिमान की भाषा बोलना उचित नहीं है। वो जिनेन्द्र भगवान के भक्त, और एक देखिए और भी उनमें कई गुण बताए हैं। एक तो ये गुण बताया कि वो तिर्यंच गति में जिन्होंने अपने ऊपर उपकार किया था उनको नहीं भूले। और दूसरी एक बात ऐसी हुई, पंडित दिवाकर जी ने बताई थी कि सौधर्म इंद्र जो कि भक्त शिरोमणि है, वो अपने जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों के 5 कल्याणक करता है। सौधर्म इंद्र 2 सागर का उनका जीवन काल है और 2 सागर में असंख्यात तीर्थंकर आकर के मोक्ष चले जाते हैं, सबके 5 कल्याणक वो करता है। लेकिन धर्णेन्द्र और पद्मावती के भाग्य की सराहना करनी होगी कि उन्होंने वो दृश्य देखा अथवा वो उस समय उपस्थित थे वहां पर जब भगवान मुनि से अर्थात साधु अवस्था से अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए। ये साधारण घटना है क्या? जिन्होंने साधु को अरिहंत अवस्था में जाते समय वहां अपनी उपस्थिति दी थी, वो अत्यंत सौभाग्यशाली जीव थे, आदि आदि। और भी देखिए, अभी इस उपसर्ग का वर्णन अभी आ रहा है। अपन ने देखा कि भगवान ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली और दीक्षा का निमित्त केवल एक तीर्थंकर शब्द बन गया। वो अयोध्या से वो दूत आया और उसने जब अपना परिचय दिया तो कहा कि मैं तीर्थंकर वृषभदेव की भूमि से आया हुआ हूँ और आप भी तीर्थंकर हैं, तो आपके लिए वहाँ के राजा ने जन्म जयंती के उपलक्ष में ये भेंट प्रेषित की है, तो मैं भेंट लेकर के आया हूँ। तो पार्श्व कुमार ने उपहार तो स्वीकार किए क्योंकि अभी उन्होंने राज्य मुकुट अंगीकार नहीं किया था, पिता ही राजा थे, 30 वर्ष की आयु तो हो चुकी थी, भेंट उनने स्वीकार कर ली। लेकिन मन ही मन विचार किया कि तीर्थंकर तो मैं भी हूँ, फिर मैं इन छोटे छोटे उत्सवों में क्यों अटका हूँ? संसार शरीर भोगों में कोई सार नहीं है, मेरा जन्म जगत का कल्याण करने के लिए हुआ था और मैं अभी सिंहासन पर बैठ करके अपने योग्य सिंहासन, पिता तो राज सिंहासन पर है, मैं अपने योग्य आसन पर बैठकर यहाँ के छोटे मोटे उत्सवों में मग्न हूँ। अब मुझे त्याग मार्ग अपनाना होगा। और जब दीक्षा के लिए विचार बना लेते हैं तब लोकांतिक देव उपस्थित होकर उनकी प्रशंसा करते हैं और अनुमोदना करते हैं कि आपने अच्छा संकल्प किया।
और फिर नेमिनाथ भगवान के बाद 83,750 वर्ष बीतने पर पार्श्वनाथ भगवान हुए थे, वो दीक्षा लेते हैं। और उनका प्रथम आहार धन्य राजा के यहाँ पर होता है। गुलमखेट नाम का नगर था, वहाँ पर धन्य नाम का एक राजा था, उसके यहाँ पर प्रथम आहार होता है। फिर 4 मास के उपरांत उसी दीक्षा वन में उनका पुनरागमन होता है और वही वृक्ष जो देवदारू वृक्ष था, सुगंधित लकड़ी होती है देवदारू की, उसके नीचे वो विराजमान होते हैं। और तब महिपाल तापस का जीव जो कि ज्योतिष देव बना था, उसका विमान ऊपर अटक जाता है। वो विभंग ज्ञान से जानता है कि मेरा पूर्व वैरी है और उसके कारण मेरा विमान अटक गया है, तो उसका वैर भड़क उठता है, भयानक उपसर्ग करता है। 7 दिनों तक वो उपसर्ग करता है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि 7 दिनों तक धर्णेंद्र पद्मावती कहाँ चले गए थे, तो उसका समाधान है कि पहले तो थोड़ी भाषा नरम रखो। धर्णेंद्र पद्मावती कहाँ चले गए थे, ये जो भाषा है इसमें थोड़ा आवेश झलक रहा है, मन को शांत करो और समाधान सुनो। समाधान ये है कि तीर्थंकरों के भी जब तीव्र कर्म का उदय होता है, तब वो कर्म वैसा फल प्रदान करता है। और जब तक कर्म के उदय में मंदता नहीं आती, तब तक कोई अनुकूल निमित्त जुड़ नहीं पाते। जब इतना भयानक उपसर्ग हुआ, तब इनके कर्मों में जो भी स्थितियां बनी, समता भाव से उन्होंने सारा उपसर्ग सहन किया। यद्यपि उनके पास जन्मतः जो 10 अतिशय होते हैं तीर्थंकर के, अतुलित बल था उनके पास, और उस बल के कारण उनको उपसर्ग उपसर्ग लग भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उस उपसर्ग ने उनको वहीं स्थित रखा था जहां थे वो, अंदर बाहर दोनों से वो वहीं स्थित थे। लेकिन जब नीचे पाताल लोक में भवनवासियों के जो भवन है, वहां पर नागलोक में धर्णेंद्र और पद्मावती के आसन कंपित हुए, और तब उन्होंने जाना, अपने अवधिक ज्ञान से जाना कि हमारे उपकारी पर संकट उपस्थित हुआ है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम वहां उपस्थित होकर संकट निवारण करें। क्योंकि जब हम पर संकट आया था, तब इन्होंने हमें अपने करुणा भाव से उद्बोधन दिया था और हमारा उपकार किया था। वो न होते तो हम देव न होते, क्योंकि हमारा जो मरण हो रहा था उस काल में, अधजला शरीर था और उसने कुल्हाड़ा मारा था काष्ठ पर, तो हमारा शरीर भी घायल हो गया था। ऐसी स्थिति में आर्त ध्यान पूर्वक हमारा मरण होता तो हम वापस तिर्यंच बन जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें उद्बोधन देकर के देवलोक प्रदान किया है। तो अपने उपकारी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और वो वहाँ उपस्थित होते हैं। और फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या पद्मावती देवी ने पार्श्वनाथ भगवान को फणा पर उठाया था? यदि नहीं
तो क्या पार्श्वनाथ चालीसा की निम्नलिखित लिखित पंक्ति असत्य है? पार्श्वनाथ चालीसा कभी आपने सुनी हो? उसमें ये लाइन आती है, धर्णेन्द्र ने फन फैलाया, प्रभु के सिर पर छत्र बनाया, पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये सही है, और फिर कई जगह व्याख्यानों में ये बताया जाता है कि नहीं, वो तो देवी थी, तो उसने तो ऊपर एक छत्र बनाया था वज्र का, उसने भगवान को फणा पर थोड़ी उठाया था, उसने ऊपर छत्र बनाया था। भगवान के सिर पर तो धर्णेन्द्र ने फणा बनाया था, और धर्णेन्द्र के फणा के ऊपर पद्मावती ने वज्र का छत्र, डायमंड का छत्र तान लिया था, और उपसर्ग का निवारण हो गया था। ये आज वातावरण में प्रचार है, पर शास्त्र क्या कहते हैं उस पर अपन दृष्टिपात कर लेते हैं, क्योंकि अंतिम प्रमाण तो शास्त्र ही है। तो सबसे पहले अपन देखें कि पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग निवारण का वर्णन कहां कहां पर आता है। तो बहुत सारे ग्रंथों में आता है, स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, बृहत् फणा मंडल मंडपीनय स्फुरत तड़ित पिंग रुचोप सर्गिण जुगूह नागो धरणो धराधर विराग संध्या तड़िदंबुदो यथा स्फुरत तड़ित पिंग रुचा। प्रकाशमान बिजली जैसी कुछ पीली कांति से युक्त विशाल फणा मंडल के मंडप से धरणह नागह धरण नाग कुमार देव ने जिन उपसर्ग युक्त पार्श्वनाथ तीर्थंकर को जुगूह सुरक्षित कर लिया। कैसे सुरक्षित कर लिया? पूरा ऐसे फणा बना करके। तो वो कैसे, उसके लिए एक उन्होंने उदाहरण दिया, यथा जैसे विराग संध्या तड़िदम बुदह, लालिमा वाली संध्या के समय विद्युत से युक्त मेघ धाराधरम पर्वत को घेर लेता है। जैसे सायंकाल किसी पर्वत पर सूर्यास्त हो रहा हो, उसके पीछे की तरफ अस्ताचल है, सूरज डूब रहा है, तो उस समय लालिमा रहती है आकाश में। तो ऐसे आकाश में वो जो पर्वत है, इस तरफ से थोड़ा सांवला सांवला सा लगता है, और उसको जैसे बादल घेर लेते हैं तब कैसा दृश्य लगता है, वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान सांवले थे, और वो जो लालिमा जो है, वो कमट जो उपद्रव कर रहा था, वो जो कुछ भी बरसा रहा था, वो सारी चीजें थी उपद्रव में, बरसने वाली वस्तुएं थी। और धर्णेन्द्र ने जो फणा फैलाकर उनको घेर लिया, तो वो धर्णेन्द्र का जो फणा था वो बादल के समान लग रहा था। जैसे बादल पर्वत को घेर लेता है, वैसे धर्णेन्द्र ने अपने फणा से पार्श्वनाथ भगवान को घेर लिया, और फिर वो जो वर्षा हो रही थी उससे सुरक्षित कर लिया। ये समंतभद्र आचार्य के वचन। उपसर्ग युक्त तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा नाग कुमार देव धर्णेन्द्र ने कैसे की थी, समंतभद्र आचार्य महाराज ने केवल इसका वर्णन किया है। श्री पार्श्वनाथ चरित सर्ग 10 आचार्य वादिराज मुनि वो क्या कहते हैं,
पर्गत दहनं विदस्य देहं भुजगपतिर्भवने बभूव देवः समजनि भुजगी च तस्य देवी वदलत कोमल नील नीरजाक्षी। नागराज अग्नि को प्राप्त हुए अधजले शरीर को छोड़कर नाग भवन में देव बना और नागिन खिले हुए कोमल नील कमल जैसे नेत्रों वाली उसकी देवी बनी। ये उस समय पुरानी बात है जब उन पर नाग नागिन पर संकट था, उस समय पार्श्वनाथ भगवान ने उनको उद्बोधन दिया था और ये स्थिति बनी थी। पद्मावती च धरणश्च कृतोपकारं तत्काल जातम अवधिम प्रणिधाय बुद्ध्वा आनम्र मौलिरुचिरत छविचर्चिताङ्घ्री मानर्चतुः सुरतरु प्रसवैर्जिनेन्द्रम्। तदनंतर तत्काल उत्पन्न अवधि ज्ञान को लगाकर और किए हुए उपकार को जानकर पद्मावती और धरण दोनों ने जिनके चरण विनम्र मुकुटों की सुंदर किरणों से चर्चित है, ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र की कल्प तरुओं के पुष्पों से अर्चना की थी। पापाचारस्य दुश्चेष्टा मुद्वीक्ष चरिचक्षुषा पद्मावत्या समं देव मुपेतस्थौ फणीश्वरः। पापाचारी कमट की दुष्ट प्रवृत्ति को अवधि ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देखकर फणीश्वर धरणेन्द्र देव पद्मावती के साथ अपने आराध्य पार्श्वनाथ तीर्थंकर के समीप उपस्थित हुआ। एकीभाव स्तोत्र एवं यशोधर चरित के रचनाकार पूर्वाचार्य वादिराज मुनि ने के उपर्युक्त वचन भी यह प्रमाणित करते हैं कि वे नाग नागिन ही धरणेन्द्र पद्मावती बने थे जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ मुनिराज के उपसर्ग का निवारण किया था। अब गुणभद्र आचार्य महाराज क्या कहते हैं उस उपसर्ग के विषय में, धरणेन्द्र की देवी ने क्या किया था और धरणेन्द्र ने क्या किया था, इसका समाधान गुणभद्र आचार्य महाराज ने उत्तर पुराण के पर्व 73 में 73 में इस प्रकार किया है। जैसे आसन कंपित होता है धरणेन्द्र का तो वो अवधि ज्ञान लगाता है, मेरा आसन किसने कंपित किया। तम ज्ञात्वावधि बोधेन धरणीशो विनिर्गतः धरण्याः प्रस्फुरद्रत्न फणा मंडप मंडितः भद्रं तमस्थादावृत्य तत्पत्नी च फणा ततेः उपर्युच्चैः समुद्धृत्य स्थिता वज्रा तपच्छिदम्। तम उस उपसर्ग को अवधि बोधेन ज्ञात्वा अवधि ज्ञान के द्वारा जानकर प्रस्फुरद रत्न फणा मंडप मंडितः प्रकाशमान रत्नों के फणा मंडप से मंडित धरणेन्द्र धरणीशः धरणेन्द्र धरण्या विनिर्गत नीचे धरती से बाहर आया और तम भद्रम उन भद्र पार्श्वनाथ मुनिराज को। देखो वो कितने भद्र थे पार्श्वनाथ मुनिराज कि वो 7 दिन से उपद्रव कर रहा है लेकिन इनको रंच मात्र भी क्रोध नहीं आ रहा, कुछ भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको शांत बैठे हुए उनके परिणाम बिल्कुल निर्मल है। जबकि उनके पास क्षमता कितनी थी, क्षमता इतनी थी कि वो यदि ऐसे द्रेक देख लेते उस शंबर देव के की तरफ ऐसे आंख कर लेते तो किसी देव में इतनी शक्ति नहीं है कि तीर्थंकर की दृष्टि को सहन कर सके। वो वहीं से 9-2-11 हो जाता, भाग खड़ा होता,
लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल शांत बैठे रहे। तो तम भद्रम धरणीशः आवृत्य अस्तात्, उनको अपने फणा मंडप से आवृत करके घेर कर अस्तात् स्थित हो गया। यहां पर धरणेन्द्र का वर्णन पूर्ण हुआ। धरणेन्द्र ने उपसर्ग का निवारण कर दिया। कैसे? वो जो भी ऊपर से बरसा रहा था वो, तो धरणेन्द्र ने पार्श्वनाथ भगवान को सुरक्षित कर लिया, फणा बना करके फणा मंडप के अंदर उनको सुरक्षित कर लिया। च और तत्पत्नी, उसकी पत्नी, कौन पत्नी? पद्मावती। उन्हीं मुनिराज को तम भद्रम, उन्हीं मुनिराज को फणा ततेह उपरि उच्चैः समुद्रित्य, संस्कृत भाषा है, किसी भी हिंदुस्तान के या विलायत के संस्कृत विद्वान से इसका अर्थ आप पूछ सकते हैं। उत्तर पुराण के हिंदी अनुवाद में अलग अर्थ दिया है, लेकिन सीधा सीधा क्या अर्थ है आप किसी से भी परीक्षण करा सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं हमारे गुरु महाराज, दीक्षा शिक्षा गुरु पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज से पूछ सकते हैं कि ये अर्थ है कि नहीं जो अभी हम बता रहे हैं। तम भद्रम फणा ततेह उपरी, अपने फणाओं की पंक्ति के ऊपर, सीधा सीधा अर्थ है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है ये संस्कृत। फणा तते का अर्थ होता फणा की पंक्ति, तो पद्मावती ने अपने फणाओं की पंक्ति के ऊपर, ऊपर ही लिखा है, उच्च ही ऊपर, फणा के ऊपर और ऊपर की तरफ, समुद्रित्य भगवान को उठाकर, क्योंकि भगवान पानी में थे, कमठ ने इतनी वर्षा, धरणेन्द्र ने तो ऊपर से उनके ऊपर जो कुछ गिर रहा था उसको रोका था, लेकिन भगवान तो पानी में ही थे, तो पद्मावती ने क्या किया, नीचे से फणा बना करके फणा के ऊपर भगवान को उच्चैः समुद्रित्य, ऊपर पानी से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या किया, वज्रा तपच्छिदम स्थिता, एक वज्र का आतपच्छित यानी छत्र बना करके, अब उसने वज्र का छत्र किस पर बनाया, भगवान के ऊपर तो बना नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान के ऊपर ऑलरेडी धरणेन्द्र फणा बना चुका है, तो उसने दोनों के ऊपर बना दिया छत्र, मतलब भगवान के ऊपर धरणेन्द्र का फणा है और धरणेन्द्र के फणा के ऊपर वो पद्मावती ने छत्र लगा दिया। तो देखो, अपने पति के ऊपर भी उसने वो गिरने नहीं दी कमट की वर्षा, और कम पति जो धरणेन्द्र थे उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर वो वर्षा नहीं गिरने दी, और पार्श्वनाथ भगवान को नीचे जो पानी में उनको डुबा दिया था धरणेन्द्र ने, वो कमट ने उनको पानी से बाहर निकाल दिया, एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। फिर कहां से पता नहीं नई नई बातें लोग ले आते हैं, कोई बात नहीं, काल है, अपन उनके प्रति बिल्कुल भी कषाय नहीं करते, वो भी अपने सधर्मा बंधु है, उनको जब समझ में आ जाएगा कि ऐसा आचार्यों ने लिखा है और उनकी श्रद्धा होगी तो वो भी स्वीकार कर लेंगे, इसमें आपत्ति की क्या बात है। अपने वात्सल्य को क्षतिग्रस्त नहीं करना है किसी के प्रति। उत्तर पुराण में सूचित उपर्युक्त घटना क्रम में देव देवी दोनों ने कुल मिलाकर तीन कार्य किए। प्रथम श्लोक में धरणीश ने पाताल लोक से बाहर निकलकर भगवान की सुरक्षा हेतु उन पर फणा मंडप का आवरण कर दिया, एक काम ये हो गया। और दूसरे श्लोक में
उसकी पत्नी अर्थात देवी पद्मावती ने भगवान को फणाओं पर उठाकर, ये दूसरा काम था, और तीसरा काम उन पर वज्र में छत्र तान दिया। क्या यह चित्रण उपसर्ग निवारण संबंधी भ्रांतियों का निराकरण नहीं कर देता? कर देता है। यह चित्रण उपसर्ग कालीन है। भगवान पर जो वर्षा हो रही थी उससे रक्षा करने हेतु धर्मेंद्र ने उनको फणाओं से घेर लिया था, जबकि पद्मावती ने उनको नीचे से ऊपर उठाया था, क्योंकि कमट के जीव ने अत्यधिक जल वृष्टि की थी जिससे भगवान डूबने की स्थिति में आ पहुंचे थे। तत्पश्चात देवी ने वज्र में छत्र तान लिया और उससे भगवान और धर्मेंद्र दोनों के ऊपर दृढ़ आवरण हो गया, और उसी समय भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि 7 दिनों तक भगवान को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, और जब उपसर्ग का निवारण हुआ तब केवल ज्ञान कैसे हुआ? तो इसका उत्तर कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक सामान्य बुद्धि से इतना तो समझ में आता है कि उस उपसर्ग को जीतने में जितना भी पार्श्वनाथ भगवान को जो भी न्यूनतम पुरुषार्थ करना पड़ा होगा उसमें उनको शांत तो रहना पड़ा होगा। भले उनके लिए वो कठिन कार्य नहीं था, लेकिन शांत रहना भी बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है। जीवन का सबसे कठिन काम है 5 मिनट शांत बैठना। आप स्मरण कीजिए अपनी लंबी आयु में, क्या कभी आप 5 मिनट शांत बैठ पाए हो? वो 7 दिन शांत बैठे, कल्पना करो कितना बड़ा पुरुषार्थ होगा उनका अपनी तुलना में। उनके लिए ठीक है कुछ भी नहीं है, अपन कह सकते हैं उनके लिए बायां हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उपसर्ग का निवारण हुआ केवल ज्ञान हो गया। तो कुछ तो संबंध जुड़ेगा ना, या फिर कहोगे कि नहीं वो वैसा ही नियोग था? देखो आप भाग नहीं सकते, टेढ़े मेढ़े उत्तर देकर के आप बच नहीं सकते, कुछ तो होगा। उपसर्ग निवारण करने पर जो शांत बैठने में उनका पुरुषार्थ लगा हुआ था वो अब ध्यानस्थ होकर के कर्मक्षय में लग गई वो शक्ति। कई साधुओं ने उपसर्ग काल में कर्मक्षय कर लिया, ये भी उपसर्ग काल ही है, लेकिन उपसर्ग का निवारण इनके निमित्त से हुआ, उसका बंद नहीं हुआ उपसर्ग। कमट जो है उसने उपसर्ग अभी स्टॉप नहीं किया है, तो बस उस समय केवल ज्ञान हो गया उनको। तो मुनि से केवली होते हुए धर्मेंद्र और पद्मावती ने देखा कितना बड़ा सौभाग्य है, किसी तीर्थंकर को मुनि से केवली होते हुए किसी ने नहीं देखा। विचार करना आप, कभी किसी काल में ऐसी घटना पूर्व में हुई हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से आप विचार करो। देखो 3 तीर्थंकरों के ऊपर फणा के चिन्ह मिलते हैं, वो फणा के चिन्ह, ऐसा नियम नहीं है कि धर्मेंद्र का ही फणा हो, वो इस बात का प्रतीक है कि उन पर उपसर्ग हुआ था। सुपार्श्वनाथ भगवान पर 5 फणा के चिन्ह मिलते हैं, 5 फणा बने थे गोपाचल में जो भगवान है सुपार्श्वनाथ भगवान है। अभी प्रसिद्धि भले लोग प्रचार कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान का, लेकिन नीचे आप देखो साथिया का चिन्ह बना हुआ है और ऊपर 5 फणा है, 5 फणा सुपार्श्वनाथ भगवान के होते हैं और बाकी 3 फणा धर्मेंद्र के होते हैं, पद्मावती के 3 फणा होते हैं।
यहाँ पर मूर्ति में अधिक बना दिए फणन धर्मेंद्र पद्मावती ने। ये केशवपुरी नाम का एक क्षेत्र है यहाँ कहीं आसपास, केशवपुरी नाम का एक क्षेत्र है ना, कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान, नाम सुना है कि नहीं आपने? अतिशय क्षेत्र है, काले रंग के पार्श्वनाथ भगवान बहुत ही भव्य है। अगर आपने दर्शन न किए हो तो कभी आप विचार करना। माजलगांव के पास केशवपुरी, वहां पर जो धर्णेन्द्र की प्रतिमा है उनका आधा शरीर नाग का बना हुआ है और ऊपर ऐसे देव का शरीर है और यहां ऐसे तीन फणा है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है, दीवार में है लगभग। संभवतः हमने 20 वर्ष पहले क्षेत्र के दर्शन किए, वहीं हमने केश लॉन्च किया था। 9 अप्रैल के दिन हमने केश लॉन्च किया था, इतना याद है, 2003 में। और फिर हमने पुणे जाकर के ग्रीष्मकाल किया, फिर मुंबई गए, फिर मुंबई से आकर पुणे चतुर्मास किया निगड़ी प्राधिकरण में, और उसके बाद फिर आगे विहार चलता रहा, गुजरात में चले गए, फिर 9 साल गुजरात चौमासा किए, और ये महाराष्ट्र में हमारा 10वां चौमासा है ये वाला। तो इस तरह ये बात स्पष्ट हुई कि भगवान के उपसर्ग का निवारण इस प्रकार हुआ था। और फिर जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर गणधर आदि पूरे 12 गण वहाँ उपस्थित हुए। 30 वर्षों तक पूरे आर्यखंड में भगवान ने भ्रमण किया और फिर अंततः मोक्ष सप्तमी को शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया। 1 महीने पहले उन्होंने समव शरण छोड़ दिया था, मोक्ष सप्तमी से 1 माह पूर्व समव शरण छोड़ करके वो अकेले वहाँ चले गए थे पहाड़ पे, साथ में और भी कुछ हजार मुनि होंगे। और फिर मोक्ष सप्तमी को उन्होंने संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त की थी और वो वहां से मोक्ष से धारे थे सुवर्ण भद्र कूट जिसका नाम है। तो अपन पार्श्वनाथ भगवान के पांचों कल्याणकों को प्रणाम करते हैं और उनकी मोक्ष भूमि और समस्त कल्याणक तिथियों को भी प्रणाम करते हैं, उनके चैत्य वृक्षों को प्रणाम करते हैं और उनकी साधना को, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को और उनसे जुड़े हुए जितने भी चेतन अचेतन और मिश्र पदार्थ हैं उन सब मंगलों को अपन नमस्कार करते हैं। यही जैन मार्ग है, जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। विशुद्ध भावना आत्मसिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।